क्या नाम? एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज से सीनियर एंड कुशा हमारे सहयोगी, PWD नियमिति वर्चार्ज कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश कानपुर में एक विभिन्न मांगों को लेकर आज एक प्रदर्शन हो रहा है और संभवतः ये कहीं ज्ञापन भी देंगे, कमिश्नर को ज्ञापन भी देंगे। आप अपना नाम बताइए और महासंघ क्षेत्रीय मंत्री पीटरपुर नियमित संघ का। आज हमारी मांग ये है कि हम लोग तीन बार से मांगों को धरना दे रहे हैं। धरने में सर्वप्रथम हमने जो 25 वर्षों से एक ही जनपद में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत है वो हमारे कर्मचारियों का सेवानिवृत्त देयक और भुगतानों में सुविधा के बिना काम नहीं करते हैं, इससे हमारा कर्मचारी काफ़ी परेशान हो रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को आज ये ज्ञापन दे रहा है कि तत्काल कहीं स्थानांतरित जोन से बाहर किया जाए। अगर स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो हम लोग आने वाले कल में सब मार्गों का बाधित कराएंगे, क्योंकि हमारा पीड़ित कर्मचारी एक मजदूर संघ है और इस संघ के लिए आर पार लड़ाई लड़ने को तैयार है। कमिश्नर को किन किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? कमिश्नर को हम ये मेन काम आ रहा है कि जो वरिष्ठ लिपिक से और वरिष्ठ सहायता पदोन्नत कानपुर जनपद में और देहात में पा चुके हैं उनका स्थान 25 साल से नहीं हो रहा है। वो अपने जूनियर कनिष्ठ लिपिकों से हमारे कर्मचारियों कार्यों में सुविधा शुल्क मांगते हैं और मांगने पर काम को विलम्ब, अगर काम नहीं पैसा नहीं मिलता है तो विलम्ब करते भ्रष्टाचारी के विरोध में इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का आह्वान हम संगठन संघ ने कर लिया है। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बदल दो ताज बदल दो। ये जो कर्मचारियों की मांग है ये जेन्युइन मांग है और मैं कमिश्नर साहब से भी निवेदन करूंगा कि इनकी जो जेन्युइन मांग है इसको अगर अपने स्तर से ना निस्तारण कर सके तो इसको प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को भेज कर करके और ये मामले को तय कराए। मुझे लग रहा है कि मामला ये कमिश्नर स्तर पर नहीं होगा क्योंकि ये एक नीति विषय का मामला है, तो मैं मुख्यमंत्री से और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से चाहूँगा कि और मौर्य जी से भी चाहूँगा कि मांगों को लेकर के वो अपना एक मत बनाए और इन कर्मचारियों को राहत दें। आप सभी का धन्यवाद।